बाबा की कहानी बताई। अब सुनोइया अधिकतर हमार बाबू लोग बैठल हुए तो मास्टर भी ध्यान लगौलन तो एनाते गीत पुरान गीत दे दिलन। यह गीत के बाबू राम कैलाश बड़ा प्यार से गाऊन। सावन भादो में कोनो दुलहिन अपन छत पे ननद के सांस सुतल है परदेश में दुल्हा बोरहरी में उठल ननदिया के झचकोर के जगौले मास्टर साहब। ननदिया उठल है तब भौजैया कहे हे ननदो बिट्टू आज न हम तोरे भैया का सपना देख ली। बम्बई से पैदल ही घरे आवत है। बम्बई से क्यों पैदल आवेला? हाँ कोरोना में नहीं देखा सब छिकरत पुकरत चला आए। वह समय बाबू राम कैलाश गीतिया बड़ा प्यार से गाए। गाय के चला कैसे बाबू राम कैलाश गावे दुल्हनिया का भाव। हाँ दुल्हनिया कहते कहीं बैठी बड़री बोले अदा हो जनी राजा जी। बाबू राम कैलाश गाँव है लेकिन यही गीतिया के अवज में भदोही के धरती से पंधारी दद्दा हमार गाँव है। शादी ब्याह पड़े जब माई बहन गीत गाँव है वो आज समय का गीत रहे कहे कि गड़ी गड़ी जाए कैसे बच्ची अमूल्य पुरस्कार राम विनायक बिंद के गाँव है। कहा गाँव है शर्मा भैया भैया कमेटी से मिल रहा यह गाँव है। अरे गड़ी गड़ी जाई ओ गड़ी गड़ी जाय हतावा में कलमिया गड़ी गड़ी जाय हता अमूल्य पुरस्कार। शादी की तैयारी होने लगी जलपान हुआ सारी व्यवस्था मिला बरातियों के हरा ईश्वर नमन करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से एक ब्रह्मांड को बताया है दो से सूरज हालो हालो गिनती से बता क्या रहा है। आइए जरा गीत की लाइन देता हूँ। अच्छा मोड़ी आनंद के बिहले बताई और सप्तऋषि सात अवस्था रघु सप्तऋषि सात अवस्था र देखाई अष्ट अवभुज देख माई चितलाई नव अवग्रह देख देख के छठवां गिनती से छह ऋतु सहित भगवान भोलेनाथ का लड़िका कार्तिकेय जेकरे छह मोड़ी है
बतौले हा सुग्रीव यादव पूर्व प्रधान दशवत पूर्व सुंदरा 50 रुपए का पुरस्कार प्रणाम करता हूँ। सात से सात दीप सप्त ऋषि को बताया है, आठ से अष्ट सिद्धि माता का वरदान सीता का लेते हुए आठ देवियों को प्रमाणित किया है, नौ से नौ ग्रह को बता करके और आवाज को बुलंद करके कहानी 10 पर पहुंचाया है। और जब 10 पर पहुंचा ला तो 10 से बतावत का कैसे बची अरे बाबू से राजा रावण की 10 मूड़ियों को प्रमाणित किया है। और जब किया है तब कहानी 11 पर आ गई। 11 से काबा तलुन बच्ची जला इंद्र तो 11 रुद्र अवतार देख कपि के बताई हर पर होय राशि फल सुनच दलाई नची तलाई तेरा मोरी कुर्म के दिया है बताई 14 रतन 14 भुवन में आवाज दिया है। भगवान हनुमान का अवतार 11वां रुद्र अवतार बताया गया। 12 से 12 राशि फल होती है जिसमें मेष कुंभ कर्ण आदि होता है जिसमें हम आप सभी हैं। सूर्य का प्रकाश भी 12 कलाओं से इस पृथ्वी पर पहुंचता है विज्ञान कह रहा है। 13 मुड़ी कुर्म को बताया है जिसके पास में 16 मुड़िया थी, 3 मुड़ी कट चुकी है, 13 ही बची हुई है। 14 रतन को लेकर के 14 भुवन का भ्रमण सिकंदर को बता रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी 15 पर पहुंचल है। 15 से क्या बता रहे बच्ची मरद कोनो मेहरारू के देखल बार बार राजा बलमुआ राजा बलमुआ करते कबो कहता हमारे खातिर कोनो मरद सुनत सुनत थक गए मेहर बसुए जहा कहे कबो बेचारा दर्जी बना था कबो लोहार बना था कबो कुमार बना था यह कुल बने तब एक दिन कहले भैया का कहले अरे तू दिन खातिर बन जा तू हमार हमर धनिया
पहुंचल है तो सोरह से बतावत का हुआ है। आई ये चीज है गीत के लाइन दा सोरह रेखा सीता जी के सुना बताई अरे सतरह जुगत का धनु सरा सतरह जुगत का धनु सरचाई अठारह पुराण महाभारत बनाई ओ नहीं सगज बसुनाग के सोलह से सोलह सिंगार को जब सीता जी ने किया है तो सोलह सिंगार किया तो उनकी रेखाएं भी सोलह बताने का कार्य वेद कह रहा है। सत्रह से सत्रह जुग तक धनुष दधीच के हड्डी के हड्डी से विश्वकर्मा जी बनावे का काम करेंगे। अठारह से अठारह पुराण सहित अठारह दिन तक महाभारत हुआ था। राजा सिकंदर गौर से सुन लो वो मेरा देश है। उन्नीस में उन्नीस गज का बासु नाग वही बासु नाग का मथनी बना के समुद्र में मथन करे का काम देवता और असुर कैले हम। कहानी बीस पर पहुंचल है तो जब बीस पे पहुंचल तो बतावत का हुए बच्ची कहीं भी सया ये बाबू भी सया अमूल्य राम विनायक बिंद बिहार की तरफ से पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ प्रणाम करता हूँ। रावण को 20 भुजा बताया है और 20 नारी से इसी धरती पे रावण का पिता विशेषरवा भी धरती पे जन्म लेता है। आजकल का गवैया कुछ हुए गुरु जी हाँ गुरु जी ध्यान कहाँ है आपका भावरा यहाँ है। विशेषरवा को हम लोग भी जानते हैं कि 20 नारी से पैदा हुआ है। आजकल का कुछ गवैया ऐसा हो गए हम बताते हैं कि करण भी 20 नारी से पैदा भाई बोले भैया कवन वाला वेद पढ़त है लोग समझ में ना आवा था वाला पढ़त हुई लेकिन आवाज दिया है पंचो। कहानी 21 पे पहुंचल है। जब 21 पे पहुंचल तब भाव कवि ने झूमर छंद से दे दिया कैसे बची इंद्र देव एक दिन बाबू सुनाए कही सुंदर लाई क्या सीन चले गाँव सुंदर चाद मुरादा बनाई आधी रात बोला गौतम ऋषि द्वारा आई हर साय दुल भेस लिए है बनाई झोपड़ी अंदर आया गौतम का मंडल उठाई गंगा तीर सुंदर कर चले जरा गौर करना आदरणीय जनों कहानी 21 पे पहुंचा ला। इंद्र भगवान एक दिन विचार बनो इतनी सुंदर है लागत या जैसे फेसियल करा के बैठल भी और वही पे इंद्र भगवान दीवाना हो गए और जब देव लोक से चलल हो मास्टर साहब
रास्तवा में चंद्रमा से कहलन की तू हमारे साथे चला, और जब धरतिया पे पहुंचलन तो चंद्रमा से कहन तू मुर्गा बन जा, और मुर्गा बन के आधी रतिये में पाक देवे लागल। आजकल घड़ी चलत है, अलार्म चलत है, उसमें मुर्गा के आवाज से लोग उठत रहले। और जब मुर्गा बाक देले तब गौतम ऋषि सोचलन की भोर हो गई बा, चला गंगा स्नान करे खातिर। दरवाजा खोललन, कमंडल उठौलन, गंगा के लिए निकल पड़े। और जब चललन गंगा के लिए ओहर, और तब इंद्र भगवान गौतम का भेष पकड़ के घरवा में घुसे ने। और जब घुसल है तब देखले सहेलिया, अरे स्वामी स्वामी आज नहाबे ना का, आज गंगा न नहाय के कुआं नहीं में नहाबे। कौन कुआं ना बे? कुआं झोपड़िया में कौन कुआं है? कुआं कहे गौतम ऋषि के रूप में इंद्र भगवान ने कहा, प्रिय है प्रिय, तुम्हारी सूरत आज मुझे भा गई है, आओ आओ प्रिय, आओ आओ लिट्टी लगाओ, गले लगाए हैं। नारी तो नारी होती है, प्यार में बह करके वो नारी गले लगी है, और जो ही गले लगने का काम इधर करिए तब तक गौतम ऋषि गंगा में पहुंच गए। पहला कदम गंगा में रख लेन, मई गंगा प्रकट हो गली। अरे मूर्ख, आधी रात को मुझे क्यों जगा दिया? गौतम ऋषि कहे, अरे माई ध्यान का आतवार भोर हो गई बा, कहे भोर ना भइल बा, तोरे साथ छल भइल बिया, आधी रात में तू नहाए आई हुआ इंद्र तोहार रूप पकड़ के तोरे घरवा में तोरे मेहररुआ के साथ है। अगरबत्ती जलावत है, कैसन अगरबत्ती बे? वही जो अगरबत्तिया जला गया था। उसी समय गौतम ऋषि दौड़ते हुए अपनी झोपड़ी पर आए हैं, पहुंच करके खोल दिया। का खोलें? झोपड़ी का दरवाजा। और जब खोल लेन दरवाजा तो जवन फिल्म चलत रहल, दादा हो दादा, वो अब चीन वाली। जब देख लेन हा, वही समय अहिल्या उठ करके खड़ी हो गई, उठल दिया तो 102 नंबर आ गई। जब मेहरारू उठे नहीं तो 102 नंबर आवेला। वो नहीं समझ सेवा बदे वक्त, हरे अरे तो वह समय कवन चलत रहा है। देख ले भैया, हर भी गौतम ऋषि, हर भी गौतम ऋषि, आखिरी हमारी की हा। बड़ी चिंता वा गौतम असिला गुस्सा में एकदम लाल, और नकलिका वाला थर 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 कांपत हिलाता। तब तक अहिल्या को बोले, अरे जा, कैसी तू पतिव्रता नारी है रे, जो अपने पति को नहीं पहचान पाई। श्राप दिया है, और श्राप दिया तो वही समैया अहिल्या पत्थर का नारी बनल गया। तब नकलिका के ओरी तकलेन, और जब नकली को ओरी तकलेन तो इंद्र भगवान अपने रूप में आ गए। अरे पापी राजा, तेरे नगर में तेरे दरबार में तो एक से बढ़ के एक अप्सरा थी, फिर मृत लोक में आकर के मेरी दुल्हन को तूने इस तरह से छल लिया, क्यों? एक भंग के लिए? यह ऋषि संत महात्मा गौतम तुझे श्राप देता है, एक भग के खातिर इस धरती पे आया तो तेरे शरीर में सैकड़ों भग हो जाएगा। और जब हजारों भग भइल तो पता चला इंद्र भगवान के हथवाऊ में भग, गोड़वाऊ में भग, उनके कपरवाऊ पर, कपरवाऊ पे भग। अब इतना भग हो गए कि भग का रूप देख के बड़ा लज्जित हो गए। अपने लोक में ना जाता हूँ, यही धरती पे विचरण करत हूँ, जंगल में जाके। और जब जंगल में विचरण कर लगन तब 21 के कहानी के 21 के गिनती से कवि ने प्रमाणित किया है। कैसे बच्ची? तो 21 दिन इंद्र छिपे झड़िए में जाई, अरे 21 देवता यारा जला, इक्कीस दिन तक इंद्र भगवान धरती पे जंगल में विचरण कैले। 22 देवता जा करके देवलोक का श्री हरि का जाके स्मरण किए हैं,
और जब स्मरण किया तो फिर से जा करके इंद्र का पाप खत्म हुआ तो देवलोक का इंद्रासन पाए हैं। 23वां रूप पकड़ करके धरती के भार को गंदगी से श्री हरि ने ऊपर उठाया था। 24 गुरु दत्तात्रेय ने किया और 24 अवतार वेद का पन्ना इस भारत की धरती पर करता है। ये रामाबिंद भैया बैठे, इनका बेटा कहीं बहक करके मेला में इधर उधर हो गया है। अच्छा, कमेटी के पास में बच्चा बैठा है तो रामा भैया आप आकर के अपने बच्चे को यहां से ले जाने का काम कर दीजिए, लेकिन इधर कभी नहीं आवाज दिया है। 24 का गिनती गिनावन तब रानी हेलन उठल भैया, माला लेके उठल, अरे जिया हमार राजा। आहा, राजा आवा, आवा। कब? ये बाबू माला पहनौले रिवाज से शादी भइल और ले करके भारत की धरती पर पहुंचे हैं। और जब भारत की धरती पर पहुंचने का काम किया, साला बनाने का काम सिकंदर को किया है इस भारत के जवान ने, तब भाव कवि ने गीत की आखिरी लाइन से दे दिया है। क्या दिया बच्ची या गीत के लाइन बता? ये अमूल्य पुरस्कार हृदय सम्राट हमारे बड़े भैया आदरणीय शिव कुमार ऐसे पौराणिक गीत पे और इस गिनती के आधार के इस वेद की लाइन पे शिव कुमार आदरणीय मास्टर साहब जी की तरफ से अमूल्य 50 रुपए का पुरस्कार हृदय की गहराई से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद की आकांक्षा आप लोगों से लेते हुए गीत की आखिरी लाइन देता हूँ। कैसे बच्ची? कहीं लिखा तया ये बाबू लिखते, लिखा तया ये भैया लिखते, लिखा तया बाबा हई बाबा गाए। विजयपुर में पजारी या हो तलावरिया हर चमके।